कर लियो, जाएगा नहीं गाड़ी। लो भाई पापा भी बैठने वाले गाड़ी में, बैठो सरकार, गाड़ी जाएगी नहीं यहीं पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरी समझ गया, हो गया। ये मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जिसे नहीं पता भाई, फरीदाबाद से मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मैं आ रहा हूँ कल फरीदाबाद में। अभी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको भाई। मैं आ रहा हूँ फरीदाबाद में 1 मार्च को दोपहर में ही आ जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सभी लोगों का। और मैं आ रहा हूँ भाई, लोकेशन पढ़ के बताऊँगा मैं। ये है शिवम कार इंटीरियर, लिखा आ जाएगा वैसे यहाँ पे, शिवम कार इंटीरियर। एड्रेस है ऑपोजिट लोकदीप पब्लिक स्कूल, मोहना रोड, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं 1 तारीख को, 1-2 बजे के आसपास आ जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे फरीदाबाद से, NCR से जितने भी भाई बंधु हैं सारे आ जाएँ भाई, साथ बैठेंगे, मिलेंगे, अपना बढ़िया बातचीत करेंगे, फोटो वाटो खिंचवाएंगे। अब देखो तुम ब्लॉग आगे का है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, वेलकम बैक फ्रॉम द फॉर्चुनर जिम। तभी अभी निकले हम भाई, कैसा वर्कआउट हमारा आज? हाँ तो ज्यादा हैवी मार लिया हमने आज, तो हमने हैवीएस्ट मारा, हैवीएस्ट ना ना, हैवीएस्ट तो मारेंगे अभी 1 महीने बाद। अच्छा 1 महीने बाद हैवीएस्ट मारेंगे, तो ये क्या मार रहे हैं हम आजकल? ये तो वो है, प्रिपेयर कर रहे हैं हैवीएस्ट के लिए। एक्चुअली क्या, हम लोग भाई शेरू क्लासिक के लिए कम्पीट करेंगे उसमें, मेंस फिजिक में। yes. तो उसके लिए हम अपने स्टेरॉइड वगैरह ये इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं। देखो आप लोगों से तो क्या ही छुपाना भाई, इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए, बता दियो। ये 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 इंजेक्शन है, और शरीर तक लग भी गया होगा कि कितने इंजेक्शन ले रहे होंगे हम। छाती पे बाढ़ भी आ गए इंजेक्शन लेके। तो भाई अब बहुत सारे लोग कमेंट करो भाई पोर्स में क्यों नहीं हो, जा रहे हैं ना पोर्स के पास, यहाँ का रैम पूछा है, वो भिड़ जाती है, भिड़ जाती है नीचे से, ऐसा रैम पे साला फॉर्च्यूनर भी वैसे चढ़े नूकर के। तो मगा रिस्क नहीं लेने का, अपने जा रहे हैं अभी, एक काम छोटा सा करना है मेरे को और गाड़ी उठाएंगे। और फिर आज पापा ने नहीं देखी अभी तक अपनी गाड़ी, मम्मी बैठी नहीं अभी तक गाड़ी में, तो मम्मी पापा दोनों को राइड देंगे। पर 3 सीटर तो आई नहीं हो, कोई आदमी एक एक करके कर लेंगे, एक एक करके कर लेंगे। चलो यार पापा दे दो, मैंने पापा जाओ मम्मी ने घुमा लाओ, पापा लेगा बग्गा सोच गाड़ी और CNG स्टेशन लेगा उसको, CNG, ओ भाई CNG भर दी ना फोर्स में। नहीं भाई नहीं, अभी जाऊंगा एक बारी गाड़ी उठाऊंगा और फिर उसके बाद अपना खींच के सिस्टम मीटर बाहर, उसका कवर भी लेके आऊंगा गाड़ी का यार, लाना ही पड़ेगा भाई वो तो, है ना, धक्का खड़ी करनी पड़ेगी। फॉर्च्यूनर का भी ले आऊं, फॉर्च्यूनर का क्या करेंगे, इसको डेली निकालना भाई उसको, वो तो कभी कभी निकलेगी ना। हाँ चलो ये भी है, देखते हैं क्या पता, उसका कवर तो लाना ही पड़ेगा, मैं मंगाता हूँ उसका कवर और कर्टेन्स। ये भाई अपनी पोर्श की चाबी है, जिसने नहीं देखी ये देख लो, लो आइए, 2 चाबी हैं इसकी, एक ब्लैक कलर की है, एक हमने कस्टमाइज करा रखी येलो कलर की। और है भाई और तो बढ़िया, इसमें बहुत कुछ भी कस्टमाइज करवा सके हमने, जैसी कलर की थी यहाँ लिखवा देते एलविस, और बताओ पेंट्स यहाँ पे वो लिखवा दें, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, यही काम बच रहे हैं। बढ़िया भाई, ना 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 क्या करेंगे फिर इसका, पब्लिक वैसे ही जाना भाई बहुत है ना, नीले कहाँ से इसकी चाबी, अबे चाबी यही है और तो निकलती भी तो होगी, मैनुअल की नहीं है वो ना पता मुझे। और भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे पुलिस वाले भाइयों से, जैसे कोई भी गाड़ी सपोज सिग्नल तोड़ती है या फिर कुछ भी करती है तो उन्हें थप्पड़ मारा करो। ये तो आज का कोई सिग्नल तोड़े ना उसके थप्पड़ दिया करो, बता दो क्या पब्लिक का क्या हुआ सुबह सुबह, बता दो भाई। कटारिया ने जो इतने जिंदगी में प्रैंक करे ना, उसका नतीजा था ये आज का। भाई मैं लेटा पड़ा, मेरे पाया फोन कटारिया का, भाई ये पुलिस वाले ने पकड़ लिया, एक बार बात करना। मैंने कहा बेवकूफ, मैं कहा प्रैंक फेल हो गया, प्रैंक मत कर मेरा, क्या सुन दे मुझे, दिमाग खराब हो रहा। कटारिया कह रहा अरे भाई सही में, मैं कहा चल अपना काम कर, तो नु करो भाई सही में लो बात कर लो भाई। उसने किसी आदमी से बात कराई, मुझे लगा कोई आदमी भी इंक्लूडेड है उसके प्रैंक में ही साथ आया। मैंने उससे कही पहले, तो मैंने कही ना, उसने पहले कहा जी, मैं कहा यार बेवकूफ तो बनाओ मत, कटारे तो उल्टा फोन दे। नू बोला मैंने, वो असली पुलिस वाला था जो जिसने बात करी, तो मुझे पता नहीं था पहले भाई। और जो मेरा पुलिस वाला भाई देख रहा भाई, देखो जी क्या बताएं, हमें थोड़ी पता थी कि आप, नाम नहीं लूंगा मैं, पुलिस वाले क्या पता पहचाना जाए, इसलिए उसने नाम लिया था प्रॉपर। तो उसके बाद मैं कह रहा वीडियो कॉल कर, मुझे लगा अभी वीडियो कॉल नहीं करेगा क्योंकि प्रैंक है। हाँ। भाई उसने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल में पीछे ऐसा खड़ा अपने फ्रेंड वो दिखा रहा अपनी शक्ल। मैंने कही साढ़े प्रैंक करने लग रहा ना, पीछे का दिखा पीछे करो, और मैंने कहा दिखा ना पीछे का, उसने पीछे करके दिखा भाई, बैरीगेट पे रोक रखा कटारिया, बत्ती में बैरीगेट लगा के कटारिया रोक रखा, 2-3 पुलिस वाले खड़े, कर लो भाई अब बात कर लो, मुर्गा बना रखा कटारिया। फिर कटारिया छुड़वाया और कटारिया हुआ, फिर कटारू करो भाई तुमने क्या बोला इसको ऐसा कान कान पे फोन लगा के। मैं कुछ नहीं बोला भाई, दे आर माई ब्रदर्स, पासवर्ड बता दिया, पासवर्ड बोल दिया मैंने पुलिस वालों को, पुलिस वाले भाइयों के लिए पासवर्ड होता छोटा सा।
वैसे बाहर तक खूब स्ट्रिक्ट है, मैं अंदर तक बहुत बहुत सज्जन आदमी, बहुत पिघले हुए इंसान होते हैं पुलिस वाले भाई। एक पासवर्ड है छोटा सा, वो बता दिया तो सब ना छूट जाएंगे। तो अभी एक बार एक चेक जमा करके आना, मुझे चेक दे के आना एक भाई को, वो दे के आया, उसके बाद ठाएंगे पोर्स और फिर चलेंगे पापा मम्मी दो रहे। लो जी गाड़ी में वापस आ चुके हैं, ये देख लो भाई अंदर तो ऐसी दिखा तुम्हारे भाई की गाड़ी। अभी जा रहा हूँ मैं इसको घर पे लेके एक बारी, क्योंकि मैंने थोड़ी बाहर खड़ी कर रखी थी, बता नहीं सकता क्योंकि इस पे स्क्रैच क्रूच लगने के मुझे बहुत ज्यादा डर है कि कोई नुकसान करता है। तो भाई समझ रहे हो ना, ये जान से ज्यादा प्यारी है मेरे को ये वाली गाड़ी, तो नुकसान मैं इसका बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इस पे स्क्रैच भी मारे, तो इसलिए मैंने कोई दूसरी जगह खड़ी करी है। अभी जा रहा हूँ मैं घर पे और गम में बढ़ेगी दूसरी बारी, उससे पहले एक बारी घर जाकर नहाया ना मैं घर पर, नहाऊंगा फिर थोड़ा सा डाइट लेंगे, तुम्हें पता जिम चल रही है अपने, डाइट चल रही है, खचा खच कैड़ा सिस्टम, तो देखूँ यहाँ तक घर पहुँचने में कितना टाइम लगा। अभी प्यार से लेके जानी पड़ेगी, ध्यान ध्यान से ले भाई, मोटो जल्दी दे दे खाने के, डाइट टाइम हो गया, डाइट खान दे, पता ना है सब लेंगे जो जो चीज़ है भाई। लो भाई का तो यही हो रहा ना लंच भाई, सिस्टम है सही। चलो जिम तो आ लिया भाई, बढ़िया पंप मार दिया दही, ये भी बंद, अभी थोड़ी देर रेस्ट करके अपने सो जाएंगे। ए और क्या देख पड़ा था, इधर एक चीज़ दिखा रहा था मैं सब लोग, वो कहाँ गई वो चीज़, ये रही भाई। वाह मज़ा आ गया इसमें खाने में, खोलियो मत इधर पर, अपना खुद का ला रखा जा, चल खोल ले अम्मी का याद रखो। तो चावल खाएंगे ना, चावल खाना, चावल भी तो खाने, शरीर भी दही तो बनाएगा। शिलाजीत चल रही है मेरी सुबह सुबह उठ के, उसको मैं अपने वो बता दूंगा डाइट प्लान में क्या क्या कर रहा हूँ। शिलाजीत पीनट बटर के साथ ब्रेड, दही में केड़ा, रोटी, चावल विद दही वगैरह सब में दही ऐड कर रहा हूँ सब में, ठीक है, चावल, फिर फ्रूट्स, फिर कुछ वैसा ये मतलब ऊट पटंग अंडे उंडे टाइप, और उसके बाद फिर रोटी, और फिर रात को फिर से फ्रूट्स और गुड नाइट। ये है भाई मेरा स्केड्यूल, कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तेरा क्या है? तेरा तो चलो कुछ अलग ही होगा ना, इसके छोले भटूरे, फिर गर्ल्स, एक्सक्यूज मी, फिर छोले भटूरे, फिर गर्ल्स। सुबह उठ के ओट्स खाऊं मैं, सुबह उठ के क्या मोटी छोरी ओट्स, ये एक इससे सिपर टूटा पड़ा है, सिपर मत लाइयो, कल से दूसरा सिपर लाइयो भाई, सारा बेइज्जती करवा जिम में, नूनू हिला मैं उसने, वो गिर जा अपना अपना, तेरा बड़ा वो ठीक है, तुम दोनों के टूटे पड़े हैं भाई, इन पे सिपर तक नहीं यार बंदों पे यार। मामा का भी आया बाद में, दिनेश का भी आया बाद में, मगर कुछ ना काम हो गया, मैं सो रहा था मेरे दोहरा कैसे होगा मेरे कम्बल में, फिर तुमनु कहोगे कि भाई कुछ कर दिया। अरे भाई यो सुआगा खुद नु कह रहा कपड़े डाल दे और सो जा, नु तो कहीं भी ना एक बार बारे कि भाई थोड़ा रेस्ट कर ले, इतनी दूर से कहां से आया तू अभी? भाई मैं दिल्ली जा रहा था एक मीटिंग, तुम्हारी मीटिंग करने गया था, ठीक है, मैं अभी तो कह रहा था भाई रेस्ट कर ले मेरी गैली बैठ के, नु करा कपड़े उतार ले। अरे यार बेवकूफ कोई नहीं, आ बन रहा भाई शरीर बन तो रहा, बन जाएगा ना बना तो कोई बात ना, हां धो के ऑल सेट। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, मेरे बहुत सारे भाई आते हैं मेरे से मिलने, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाता, या फिर क्या पता कहीं बिजी हूँ या किसी मीटिंग में हूँ। देखो मैंने हज़ार बार ही मना कर रखी, प्लीज़ मत आया करो यार, एक पर्सनल स्पेस भी होता है तो उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लो, मैं भी इंसान ही हूँ, सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, मैं किस किस से मिलूंगा भाई बताओ, समझ रहे हो ना, मेरे को और भी काम होता है, मतलब और भी काम हो सकते हैं ना किसी इंसान को, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन मेरे घर पर मत आएगा, और बाहर कहीं मिल जाऊंगा अलग चीज़ है, घर पे नहीं प्लीज़ भाई, घर वाले भी तंग होते हैं, मम्मी बेचारी सुबह से लेके शाम तक गेट बसता रहता, तंग होती है, अभी बंदे यहाँ से आ गए पीछे से आ गए, मत आओ भाई, कह रहा मैं ब्लॉगर हूँ मैं ये, ना करो ना यार, एक गेट है सामने वाला वो भी मत बजाओ, जल्दी पहन ले कपड़े। और एक चीज़ मिस हो गई थी हमसे, राइड नहीं दी हमने ना मम्मी को, पापा को तो अभी गाड़ी दिखाई नहीं मैंने ढंग से, पापा को अभी गाड़ी दिखाएंगे, पापा से चलवाएंगे, प्लाट में खड़ी कर रखी पीछे ताड़ा लगा के, ये रही चाबी, तीन चाबी है प्लाट की। बाड़ा कभी क्या कर रहे हैं, कूद गया भाई गेट के अंदर कूद के, मेरे पे फोन आ गया भाई ऐसा गाड़ी में चढ़ रहा कोई है भाई, मेरा छो छोड़ के भगवान का सब मेरे हाथ लग जाते हैं ना, बंदा खा जाता मैं एक, जितने भी दे उनमें से एक तो खा पहाड़ का खा जाता मैं, मत करो भाई, प्लॉट में कूदना इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, ट्रेसपासिंग, तो मत करो नहीं तो किस दिन हाथ में चढ़ के ना मारूंगा। उधर जा पीछे जा उस काली वाली पे, ओ भाई पांटा
मैं कह रहा हूँ भाई बालकों ने ये ताला लगा रखा था मैंने कूद के आगे कूद के अंदर ये कल का वही है जो स्काई शॉट वगैरह थे ये मेरे भाई यार खड़े वेरी नाइस लो जी आपका रिएक्शन रह रहा था कैसी लग रही गाड़ी ये तो आपने बताई नहीं अभी तक ना ना कुछ ना कर ये तो वो है जो ऊपर तो स्काई शॉट वगैरह उसके छोटे मोटे निशान है तो कागज कुगज के ये तो साफ हो जाएगी सत्तावन तक घुमा के लाता हूँ आपको इसमें उल्टा आ जाऊंगा ना फिर बैठ के तो देखो पहले इसकी छत खोल दू पहले इसकी छत खोल देता हूँ इसका मस्त फीचर दिखाता हूँ भाई ले 1 2 3 अंकल चौकी करा रहे मजा आ गया खुली हवा ले नई की आवाज सुनी भाई ले ओपन करके मम्मी भी आली सामने थे कटा रहे ना पीछे गाड़ी में इसने फिर खड़ी कर कहूंगा आओ जी पहले आप बैठो पापा ने बैठाऊ पहले मैं रुको आओ जी बैठ चुका भाई अरे चल चला के तो दिखाऊं तो दो बैठ के रिव्यू दो ऑडी कर ले तो देखा है तो लेके सुना है थैंक्स भाई इसने उसमें घेर लिया दूसरी वाली में धन्यवाद आपका अरे इसकी वो चीज तो दिखाई ना मैंने पापा दे मेन चीज लो भाई पापा भी बैठने वाले गाड़ी में बैठो सरकार गाड़ी जाएगी नहीं यहीं पे हां कोई दिक्कत नहीं है मम्मी ने छोड़ दूंगा घर तक मम्मी भी खड़ी है बारी चलो भाई चलो भाई सही लग रही है गाड़ी चलो थोड़ी तो आगे बढ़ाओ लो जाम लग रहा है एक बार होके आओ जरा लो भाई मम्मी एक बार वापस अंदर चलेगी मम्मी तो कोई बात ना क्या तो वापस आते दिखा दूंगा यार गांव में गाड़ी खड़ी नहीं करूंगा मैं अब क्या हो गया गांव में प्लॉट में चाबी भी लगा ली मतलब ताड़ा चाबी भी लगा ली भाई बंदे मान के नहीं दे रहे यार कूद गए भाई गेट के अंदर कूद रहे हैं अब डोली ऊंची करवाना एक दिन का काम तो है ना प्रॉपर उसका रैंप भी बनवाना थोड़ा ऊंचा रैंप भी है वो इसको दूसरी जगह ही खड़ी करेंगे और मतलब वहीं पर जला के वहीं पर गुप्त तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगी मेरे को लोगों की बाकी पापा बहुत ज़्यादा खुश है भाई पापा का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन मतलब पूरा फुली समझ रहे हो हाँ भाई देसी पापा कभी एक्सप्रेस करते हैं भाई वो बहुत खुश रहते हैं अंदर से फिर ठीक है मम्मी तो तुम्हें पता ही है खुशी रह सारी चीज़ों में बट अभी एक बार 57 वाले प्लाट पर जा रहे हैं वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि अभी हमको क्या करना है हम सोच रहे थे छोटी सी पार्टी करें मल्होत्रा जी के साथ मल्होत्रा जी भी थे बट अभी देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है अरे दोहरे का निकाड़े कति पै पै बजरी गाड़ी हो इसके तरफ भाई चारों तरफ सेंसर यो बढ़िया चीज़ है इसकी अभी मुझे वो नहीं है क्या कहते हैं अंदाजा कि किस साइड से कितनी बड़ी है छोटी क्योंकि थोड़ी छोटी है फॉर्चूनर बहुत बड़ी तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है वो सीख रहा हूँ मैं इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ गाड़ी को उस पर चल रहा है बिल्कुल जमीन पर चलना चाहिए भाई तभी आगे यो तुम्हारे भाई का नया घर और नए घर के मगर इसका रैंप तो बड़ा ऊँचा भाई भाई इसमें चढ़ाएंगे कैसे इसको ये जाएगी कैसे ऊपर अबे तो रैंप बनाना बनाना पड़ेगा तोड़वाना पड़ेगा यो कोई बात नहीं है का अलग बनाएगा रोड अपनी है गए सब अपना है अरे तो भाई यहां वहां तक बंद सब रोड अपना अपना ही है यहां तक रैंप बन जा वो तो अरे यहां तक तो साडा वहां तक रैंप बनाएं क्यों टेंशन ले रहे तू भाई कितनी बढ़िया लग रही है इसके बाहर खड़ी हो ये देखो वो तो फिर ओ शिट फॉर्च्यूनर ये और इतने भगवान की दया हुई तो जी वैगन नई लॉन्च हो जाएगी तो वो भी टाल लेंगे बिल्कुल वो तो लानी है भाई हैं वो तो लानी है और क्या लाना और रोल्स रॉयस हेलीकॉप्टर भाई सुनो ना ये वाला प्लॉट खरीद के इसमें अपना गैराज बना लो अच्छा 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 और क्या कर लो अच्छा और लोग पागल हैं इनका प्लॉट और रजिस्टर जगा ले भाई बना लो घर ये किसी एमएलए का प्लॉट है बना ले एमएलए के प्लॉट में हैं तो पंगे मत लेना उन्होंने कहा तो पंगे मत लेना ऑब्वियसली भाई देखो ये स्टीरियोटाइप है कि कोई इंसान किसी पावरफुल पोजीशन पे हो तो उससे डरना चाहिए दिस इज अ मिथ सब इंसान है सब इंसानों को अपना राइट्स पता होना चाहिए अब जैसे पुलिस वालों का एक वो है कि भाई पुलिस वालों खड़ो भाई इंसान ही तो है अपना भाई तो है कोई जानवर थोड़ी है कोई राक्षस है पुलिस वाले भी इंसान होते हैं है? कि भाई ओ नौके पे वो नौका कर रखा कर सारे भाई हैं मंत्री हो हाँ मंत्री बनाया भी तो हम नहीं है एमएलए बनाया भी तो पब्लिक नहीं है क्या हो गया भाई
इन चीजों को नॉर्मलाइज करना सीखो। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, एक नंबर ये कैपिटलिज्म भाई थोपा जा रहा तुम पे, हम पे तो नहीं। अच्छा इसको कैपिटलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म, इसे बोलना नहीं आ रहा। कैपिटलिज्म 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 यार बंदे गवार रह गए यार। कोई बात नहीं भाई, क्या मैं तो इसे देख के मन नहीं भर रहा यार, ऐसे जी कर रहा है, इसे देखते ऐसे खड़े होकर देखता रहा। वाह इसे खा जाऊं मैं, ऐसे अर्चित मैचिंग के कपड़े पहन का। अच्छा जानबूझ के पीली टी शर्ट पहन का है ताकि इसको चलाने दूं मैं। नेवर कभी ना कभी चलाऊं। तू नंगा भी आ जाएगा तो भी नहीं बैठेगा इसमें भाई। चल ठीक है बैठ जा जा भाई। बंदे साढ़े ताड़े बंद में प्लाट में कूद के अंदर बैठ के गाड़ी पे यार। ठीक है वाला क्या कर रहा है कंप्यूटर वाला, तो ना बैठेगा भाई आप कंप्यूटर वाला, मेरे हाथ तो लग जाओ कंप्यूटर वाला। तो मैं कह रहा हूं कंप्यूटर पंती निकाल देते ना फिर भाई। मैं तो भगाओ बहुत तेज, मैं वैसे भगे ना करूं गली मोहल्ले में भाई। पापा फोन आ रहा प्लाट में मैं कहा प्लाट में पड़ेगा, मैंने तो सोच भगवान कसम प्लान बना लिया था ना। अरे वो बाढ़ है ना, 10 साल लगे, 9-10 साल का तो छोड़ देता मैं। ऑब्वियसली 9-10 साल का तो कूद नहीं पाता, 9-10 साल का तो जल्दी भिज जाती गर्दन नहीं पकड़ के नु भी तक। अंकल ने हमारे सामने बताया कि वो 9-10 साल का बड़ा किया, वो तो कैमरे में चेक करूंगा ना अभी। कैमरे भी तो लग रहे हैं बाप के हमारे प्लाट में, वो नहीं पता जब से इंसिडेंट हुआ है प्लाट है वो, प्लाट कैमरा है। आप हेटर को उधर तो लगवाते भाई, भाई आपके हेटर कितनी उम्र के हैं भाई? मेरी हेटर साले कितनी उम्र के हो? 24-25 हाथ में लगती खा जाऊं, चाहे 40 का हो चाहे 50 का हो चाहे 80 का हो चाहे 250 सब्जी में डुबो के खा जियो, कटारे तो खुआ दूंगा मिला के, चावल में मिला के खुआ दूंगा। कोई नहीं भाई, अब आगे का सीन हम एक बार सेट कर लेते हैं और थोड़ी सी आवाजी कर लेते हैं स्नैप स्नूप डाल के, क्योंकि यही तो काम है, इसलिए तो लाए हम गाड़ी। I feel like Neeraj Bhavana sab udher denge rap ke mein don bane sare inko chhed denge naam chale ek number gaadi baje tez bete real raha scene mein aur bande sare fake I feel like daya ho raha hai par kaise fame lenge underground 24 ghante life tode stage bete sabne dekhe bade kyun haan ji aa raha swaad swaad le rahe hain kadi gudgam mein ke ma golf course road pe hai bhai gaadi chalane ka maza aata hai kati saaf seedha road underpass khench ke kitne chala lo but hum isko abhi bhi khench ke nahi chala rahe pyar se chala rahe bhai प्यार वाली गाड़ी क्यूट सी तो इसे क्यूट तरीके से चलाओ प्यार से। अभी जा रहे हैं एक बारी घाटा, आजू बिल्ली तो है नहीं पर हमारे और भाई बंधु भी हैं वहाँ पे तो उनके पास जा रहे हैं, वे भी कह रहे थे गाड़ी देखने के। मैं कहा आओ जी देखो गाड़ी सिस्टम हैंग। नारियल किसने फेंक दिया भाई? यो नारियल लेगा ओ भाई, इसने हटा लो यार गिरे साइड सूंगल लग रहा गाड़ी में। नारियल कल खेला है भाई, गाड़ी खड़ी हो गई भाई घाटा में, बड़ी की बड़ी प्यार है, कोई दिक्कत ना सही में बड़ी आराम तक भाई। कैसी लगी गाड़ी? भाई गाड़ी इसकी बताने जरूरत है, इसकी बताने जरूरत है, तगड़ी लगे प्यारी लग रही है प्यारी है भाई, सही है सिस्टम। और येलो करवानी ना पड़ी एक छोटी सी पार्टी में जा रहे हैं और एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद कि इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिखाया। अपनी वीडियो जो है एक ट्रेंडिंग 2 पे चल रही है, एक ट्रेंडिंग 3 पे चल रही है मेन चैनल वाली, मतलब सिस्टम बांध दिया तुम लोगों ने। मैं को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है कि भगवान इतना साथ दे रहा है, तुम लोग इतना साथ दे रहे हो और भगवान की दया था हम भी उसको मोटिवेशन मान के मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। तो सभी लोगों का एक बारी फिर से शुक्रिया, आप लोग ना होते तो शायद ये गाड़ी ना होती आज मेरे पास, और आप लोग हो तो भगवान करे और भी गाड़ी आए आप सब लोगों के घर में भाई, खूब आपके घर में भी खूब आए। तो मैं तो सबका अच्छा ही चाहता हूँ जैसे आप मेरा अच्छा चाहते हो। बाकी इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मम्मी को बैठा नहीं पाया आज मैं क्योंकि मैं निकल गया था, पापा को बैठा दिया, एक ही बात है तो गाड़ी भी घर की है, कोई बात नहीं कल बैठा देंगे। मम्मी ने पूजा भी होनी है गाड़ी की, मम्मी भी साथ चलेगी। तो ब्लॉग को करते भाई यहीं पर ख़त्म, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।